हमीरपुर में इंटर कॉलेज खो खो चैंपियनशिप का आगाज डिग्री कॉलेज खेल मैदान में किया गया, जिसमें प्रदेश भर की 14 टीमों के करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहकर खेलों की ओर रुझान के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल हरदेव सिंह चंबाल, मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान तेन सिंह भी मौजूद रहे। इंटर कॉलेज खो खो प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे विधायक नरेंद्र ठाकुर ने टीमों के सदस्यों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर विधायक ने टीमों को प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज के समय में नशे का ग्राफ बढ़ रहा है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि हिमाचल में 25% युवा नशे के आदी हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि नशे की आदत से बचने के लिए बच्चों को जागरूक करें। सबसे पहले तो मैं कॉलेज के प्रिंसिपल व सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इंटर कॉलेज खो खो चैंपियनशिप जो कि हमीरपुर में होने जा रही है, आज इसके उद्घाटन समारोह पर उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक संपूर्ण विकास के लिए एक खिलाड़ी का एक स्पोर्ट्समैन का होना जरूरी है। जहाँ एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स भी एथलेटिक्स भी साथ साथ पैरेलल एजुकेशन के साथ चलती हैं। और अब तो स्पोर्ट्समैन अपना कैरियर भी स्पोर्ट्समैन बना सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोप हैं। अभी आपने देखा होगा एशियाड हुई, चाहे आप एथलेटिक्स में ले लो, चाहे आप क्रिकेट में ले लो या कबड्डी में ले लीजिए, आज वो गेम नहीं रही। आज अगर ध्यान से ढंग से आप स्पोर्ट्स में आप रुचि दिखाएंगे तो आपका कैरियर भी सेफ है। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी उतना ज़रूरी है। और एक अच्छी सेहत के लिए, अच्छे माइंड के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए, और सबसे बड़ी बात जो स्पोर्ट्स में मिलती है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधूरा है जिंदगी में। आपको अकेले आगे चलना पड़ेगा, और जो अकेले चलने की और अपने आप डिपेंड होने की जो इसमें स्पोर्ट्स से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। इसलिए मैं यही संदेश अपने नौजवान बच्चों को देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि जो दो तीन दिन यहाँ ये चैंपियनशिप चलेगी, इसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपनी संपूर्ण प्रतिभा का पूर्ण कैलिबर का यहाँ पर हमें इनका देखने का मौका भी मिलेगा, और इनका आगे फ्यूचर भी ब्राइट हो, यही मेरी इनसे कामना है। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा, वैसे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं हमारे पास, हम भी विश्वास नहीं करते थे। ये ठीक है, हमें ये देखने को मिलता था कि बच्चे हमारी नशे की ओर जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में विधानसभा में हमने आंकड़े मंगवाए हैं तो उन आंकड़ों में हमारी जो हिमाचल स्टेट है वो इस वक्त नंबर 3 पे जा रही है नेशनल लेवल पे, और हमारा 25% यूथ जो है 25% 100 में से 25 बच्चे जो हमारे नशे से अडिक्ट हो चुके हैं। और एक ऐसा जो नशा वो केमिकल वाला नशा चला है, अगर आप दो बार मुंह में लगाएंगे तो उसकी आप एडिक्शन हो जाएगी आपको। मैं ये चाहूँगा कि नशा एक बहुत गंदी आदत है, और इससे दूर अगर नशे की आदत पड़ गई तो वो बच्चा तो गया, परिवार भी गया, परिवार के साथ साथ समाज, वो जिला और वो प्रदेश भी मैं समझ समाप्ति की ओर जाने वाला है। पंजाब के हाल आपने देख ही लिए हैं, तो मैं यही संदेश है मेरा, बच्चे नशे से दूर रहें। अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं आप, तो ये एकदम जाके हमारे नशा निवारण जो भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा सकती है, और सभी को यही संदेश देना चाहेंगे हम, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल स्कूल के ऑफिशियल स्टाफ्स हैं, कि बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रखें ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें। धन्यवाद।